सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसडी सुबो। तो आप लोग कैसे हो, आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो आज का वीडियो होने वाला है एक दमदार वाला, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कानमाड़ी। तो कानमाड़ी क्या चीज़ है, मैं आपको वीडियो में बोलूँगा। फिलहाल तो मैं बाहर निकल चुका हूँ और रास्ते में मैं उठाऊँगा कुंतल को, कुंतल का दीदी को और एक मेरा अंकल को, जिस अंकल का घर उधर है। तो रास्ते में बात करते हैं जाते जाते, तो वीडियो में बने रहना। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना, ठीक है, टाटा बाय बाय। सो हेलो, तो अभी सब लोग आ चुका है, ये है अंकल, ये है कुंतल, ये है कुंतल का दीदी। तो हम जा रहे हैं अभी कानमाड़ी। तो कानमाड़ी का पूरा हिस्ट्री हम बताएंगे जाते जाते, क्योंकि अंकल हमें सब बताएगा, और ये अंकल का घर में ही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना, आधा अधूरा छोड़ के मत जाना और सब्सक्राइब तो करना ही। तो हम टाकी रोड पकड़ के जा रहे हैं, जो हम बसीराट से राइट साइड ले लेंगे। तो बसीराट से राइट साइड लेते ही मुरारिशा मिलेगा। मुरारिशा के आसपास बहुत सारा अच्छा अच्छा व्यू है, और उसके बाद मालनचो है। मालनचो एक पिकनिक स्पॉट भी चलता है उधर बहुत सारा। तो हम उसका बाद वाला स्टॉपेज जो कानमाड़ी है, उसी कानमाड़ी में जाने वाले हैं। तो ये देख सकते हो, ये मुरारिशा से पहले है, ये बहुत अच्छा व्यू देता है ये जगह जो देख रहे हो आप लोग। तो इधर से हम निकल के मालनचो होके कानमाड़ी तक पहुंचेंगे। और कानमाड़ी का हिस्ट्री ऐसा है कि कानमाड़ी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, उधर आमफान में वो पूरा डूब गया था। और उधर आदमी क्या करता है, सब फिशरी है, मतलब जो भेरी होता है ना, हमारे बंगाली में भेरी बोलता है, जो फिश फार्मिंग होता है उधर। 90 से 95% बंदा पूरा फिश फार्मिंग ही करता है। तो अभी हम कानमाड़ी में एंटर कर चुके हैं। तो इधर चारों ओर आप देख सकते हो टैंक ही टैंक है, जिसमें फिश फार्मिंग होता है। तो हम इस बीच क्या कर रहे थे, जहाँ गए थे वहाँ का वीडियो लेना भूल गए थे। उधर से फिर हम लोग साइट सीन में निकल गए थे। एक बार तो ये फोर व्हीलर लेके निकला, अभी देख सकते हो आप लोग, ये फोर व्हीलर लेके ही जा रहे हैं हम लोग साइड में, अच्छा अच्छा व्यू देख सकते हो। तो इधर हम लोग काम के लिए आए थे, तो काम भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। देख सकते हो दूर दूर तक फिश फार्मिंग है, मतलब आपको जितना दूर दिख रहा है चारों ओर सिर्फ फिश फार्मिंग होता है इधर। तो इधर 90 से 95% बंदा तो यही करता है फिश फार्मिंग। तो इधर फिश का रेट बहुत, आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इधर फिश का रेट बहुत ही कम में मिलता है, बाहर जितना ज़्यादा मिलता है। तो इधर देख सकते हो हम लोग एक नाले, मतलब हम एक नाले के ऊपर पैर हिला रहे थे, फिर इधर से गए मतलब नदी के और पास में ही एक नदी है। तो ये विद्याधरी नदी है, तो उस पार मीनाखा है और इस पार कानमाड़ी है, और इस नदी से आप सुंदरवन तक भी जा सकते हो। तो फिर ये नदी उदी घूम के हम घर गए, घर से फिर साइट सीन देखने के लिए निकले थे। अभी देख सकते हो आप, मेरा घर भी गांव में है, लेकिन गांव में घूमने का नज़रिया कुछ अलग होता है, बहुत मतलब सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। देख सकते हो आप लोग कि बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा है। तो यही चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कोशिश किया है, मैं भी घूमा, आप लोग भी घूम लीजिए। हम जिस गांव में आए थे, उस गांव में मेला टाइप का हो रहा था, तो मेले में भी थोड़ा बहुत घूम लिए, दिन का वक्त था। और जिस घर में आए थे उस घर का पास में ही है, तो उस घर में खाना उना पका रहा था। तो हम लोग कुछ टाइम में उनका जो भेरी है, मतलब जो फिशरी, मतलब जो क्या बोलता है, कुकुर बोलते हैं हमारे भाषा में, लैंग्वेज में, और हिंदी में कुछ मालूम नहीं, तो टैंक बोल दिया। तो उस टैंक में हम लोग नहा भी लिए, देख सकते हो, बहुत मस्ती किए। तो ये मस्ती करके हम लोग फिर खाना उना खा के फिर रिटर्न आने का वक्त था।
अभी हम घर जाने के लिए निकल पड़े हैं, तो अभी मेरे पास में बैठा है अंकल का बेटी और अंकल का बेटा पीछे, वो देखो पीछे, और पीछे कुंतल है, कुंतल का दीदी है, अंकल है। तो इधर क्या हुआ था, इधर मैंने बंगाली बोल दिया था तो इसलिए वॉइस ओवर इधर दे रहा हूँ तो मैच नहीं हो रहा है। तो देखते रहो, आगे और भी अच्छा अच्छा व्यू है। अभी रिटर्न आ रहे हैं, तो रिटर्न आते आते हम लोग ITC देखा, हमारा जो ITC रॉयल बंगाल है उसको देखा, फिर बाईपास ढाबा में चाय पिए, फिर घर आ गए। इतना ही था हमारा वीडियो, आप वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगेगा। ये एक छोटा मोटा ट्रैवल वीडियो था, इसलिए कंप्लीट से नहीं दे पाया, तो मेरा पूरा वीडियो कुछ ऐसा टाइप का हो रहा है, इसलिए माफ़ी मांग लूँगा आप लोगों से। वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम बाईपास ढाबा में आ गए, तो इधर हमें एक डॉग और पर्शियन कैट दिखा, बहुत ही क्यूट था, तो हम लोग इसके साथ थोड़ा मस्ती उस्ती कर लिए, करने के बाद फिर चाय वही पिए, आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत मस्ती किया। सो अभी हम लोग चाय पियेंगे। सब लोग जा रहा है चाय पीने, ये रहा यार बिल्ली दिखा हमको, वो बहुत ही क्यूट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया, उधर गया, फिर काम वाम किया, खाना वाना खाया, रास्ते में चाय पानी पिया, फिर अभी मैं गाड़ी गैरेज करके पैदल जा रहा हूँ अपने घर। तो ये वीडियो थोड़ा सा मैं छोटा मोटा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो दे रहा था तो व्यू नहीं आ रहा था। और सबसे रिक्वेस्ट है यार, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज जाने का वजह भी कुछ मेरा पर्सनल बिजनेस रिलेटेड था और आप लोगों को एक वीडियो देना भी था, तो प्लीज़ मुझे मालूम है आप लोग सजेशन कर सकते हो, आप लोगों को कैसा टाइप का वीडियो अच्छा लगेगा, मतलब कैसा वीडियो बनाना चाहिए, एक सजेशन कर सकते हो यार कमेंट में, तो मैं वही ट्राई करूँगा। लेकिन प्लीज़ सजेशन करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब एंड लाइक तो करो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये तो कर देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे वीडियो देने का, और कोई नहीं, अच्छा रहना, अच्छे रहना भी चाहिए। बस टाटा, बाय बाय।